विदेशी बाजारों में तेल तिलन के भाव मजबूत होने से दिल्ली में शुक्रवार को सरसों दादरी, सोयाबीन दिल्ली, सोयाबीन डिगम, सीपीओ, पामोलिन तेल जैसे कुछ तेल तिलनों के भाव मजबूत हो गए। बाकी तेल तिलनों के भाव अपरिवर्तित रहे। बाजार सूत्रों ने कहा है कि खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए आयात शुल्क कम करने के सरकार के फैसले के बाद विदेशों में खाद्य तेलों के भाव बढ़ा दिए गए, जिससे स्थानीय कीमतों में सुधार हुआ है। दूसरा, गुरुवार रात को सरकार ने आयात शुल्क मूल्य में भी वृद्धि की है। इसके तहत सीपीओ पर 45 रुपये क्विंटल, पामोलिन पर 85 रुपये और सोयाबीन डिगम के तेल पर 26 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सरकार ने स्थानीय किसानों के हित में कैनोला तेल के आयात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया है और इसकी दरें पूर्व 38.5% बनी हुई हैं। सूत्रों का कहना है कि मलेशिया एक्सचेंज में 1.8% की तेजी रही, जबकि शिकागो एक्सचेंज में गुरुवार रात 1.4% की तेजी के बाद फिलहाल 1.2% की तेजी थी। सूत्रों ने कहा है कि आयात शुल्क घटाने के बाद सोयाबीन डिगम का आयात भाव $1400 प्रति टन से बढ़कर $1470 प्रति टन हो गया है कांडला बंदरगाह पर। इसी कारण सोयाबीन दिल्ली और इंदौर के भाव में सुधार आया। सूत्रों का कहना है कि मलेशिया एक्सचेंज की तेजी की वजह से सीपीओ और पामोलिन की तेल की कीमतों में भी सुधार आया है। वहीं सलोनी शमशाबाद में सरसों दाना का भाव 8750 रुपये क्विंटल से बढ़ाकर 8850 रुपये क्विंटल कर दिया गया, जबकि देश की मंडियों में सरसों की आवक घटकर 95,000 से 1,00,000 बोरी की रह गई है। इस वजह से सरसों दादरी के भाव मजबूत हो गए। उनका कहना है कि दशहरे के बाद सरसों तेल की मांग बढ़ेगी और अगली फसल आने में लगभग 4.5 से 5 महीने का समय बाकी है। सूत्रों ने कहा है कि आयात शुल्क में कमी किए जाने का सरसों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ है, क्योंकि इस तेल की मांग है और इसका कोई विकल्प नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।